एयरफोर्स के चॉपर ने टिहरी झील से पानी भरा और 5000 लीटर के बकेट से अब पानी का छिड़काव चलेगा। पहले चक्कर में अदवानी गजा के जंगलों पे छिड़काव की गई है। गढ़वाल रेंज नोडल अधिकारी धर्म सिंह मीणा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कल गृह मंत्री के ट्वीट के बाद से इस बात की पुष्टि हुई थी कि केंद्र की ओर से 2 चॉपर मिलेंगे जंगलों की आग को बुझाने के लिए। ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। गढ़वाल रेंज नोडल अधिकारी धर्मवीर सिंह मीणा इस पूरे एक्शन में नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बेहद जरूरी। ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही थी जंगलों की आग से। ये वन संपदा है, वन्य जीवों की क्षति के साथ साथ अब खतरा लोगों के घरों तक, अपने गांव तक पहुंचने का डर समा रहा था। हाईवे तक आग की तस्वीरें आ गई थी, लेकिन अब यहां पर केंद्र की ओर से चॉपर आए हैं और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर धधकते आग को बुझाने के लिए बड़ी तेजी से काम किया जाए। और देखिए, उसका असर हो रहा है कि कल ट्वीट के बाद आज एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा सीएम ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि सभी की छुट्टी कैंसिल की जाएगी वन विभाग से और जंगलों की आग पर काबू पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और इसी क्रम में देखिए, आज इस चॉपर से 5000 लीटर के गैलन में पानी भर के छिड़काव किया गया। तो पहाड़ों पर अमूमन यही प्रक्रिया है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता, रास्ते नहीं होते और आग को बुझाने के लिए पानी की मदद चॉपर कुछ इसी तरीके से संभव है जंगलों की आग को बुझाना। तो पहाड़ों पर आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पौड़ी से है, जहां पिछले 6 दिन से जंगल धधक रहे हैं। नैनीताल में जुलीकोट, डोलमार, भूमियाधार के जंगलों में रात आग लग गई जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, इन जंगलों में बहुत सारे जानवरों का आशियाना होता है, उनका घर है, ये आग के हवाले है। कितनी बड़ी क्षति है ये, जहां वन से ना सिर्फ संतुलन, क्लाइमेट, इकोसिस्टम सब कुछ बैलेंस होता है, जंगलों की आग चिंताजनक स्थिति है। और ये चिंता केंद्र से लगाए प्रदेश तक लोगों के लिए चिंता का सबब है और ऐसे में एक्शन की उम्मीद की जा रही है। पौड़ी और नैनीताल की 2 तस्वीरें। साथियों नमस्कार। जैसे कि इस समय जंगलों में आग लगने की घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है और चारों तरफ जंगल धू-धू के जल रहे हैं। ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण अति आवश्यक है, जो बिना आपके सहयोग के संभव भी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने में हमारी मदद करें। और तो उधर प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर रामनगर पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र ने उत्तराखंड में लगी जंगलों की आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं तो एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल के लिए दिया है। वहीं एनडीआरएफ की टुकड़ी भी रवाना कर दी गई है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड का विशेष ध्यान रखा है, तो ये कहना है अजय भट्ट का। सारे अधिकारी और हमारी सरकार बहुत चिंतित है। हम बधाई देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जैसे ही उनको ये समाचार मिला कि उत्तराखंड में जंगलों में भारी आग लगी हुई है, तो तुरंत उन्होंने हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ भेजने का निर्णय लिया। मुझे यह बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं रीजन के लिए, एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल रीजन के लिए अभी पहुंच चुका है। तो आग की स्थिति बड़ी भयावह है और ये बहुत गंभीर विषय है, उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए भी। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जगह जगह ये जो आग की खबरें आ रही है विनोद, इस पर 2 चॉपर की व्यवस्था गढ़वाल और कुमाऊं की तरफ से की गई है। ये बताइए, जिस तरीके की आग की तस्वीरें हम खुद स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, ये दोनों चॉपर काफी साबित होंगे इन आग को बुझाने के लिए? और अगर अगर ये फुल कैपेसिटी से लगा दिए जाएं, कितना वक्त लगेगा इस आग को बुझाने में? स्नेहलता, देखिए, जो आग का प्रचंड रूप है वो उत्तराखंड के जंगलों में देखा जा रहा है और करीब जो फायर सीजन है, अब तक उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में कई ऐसे मवेशी हैं जो आग का शिकार हो चुके हैं। लगातार जितने भी ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं वहाँ पर आग का तांडव लगातार जारी है। और ऐसे में जो राज्य सरकार का एक अनुरोध राज्य सरकार ने किया था कि सेना के हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए, तो ऐसे में 2 हेलीकॉप्टर सेना के उत्तराखंड जरूर पहुंच चुके हैं। एक गढ़वाल में है, एक कुमाऊं में है। और गढ़वाल की अगर सबसे पहले बात करें तो टिहरी के इलाकों में
कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है और टिहरी झील से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी भरकर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन अभी व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है क्योंकि कम पानी है और ऐसे में लगातार आग का जो रूप है वो प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पानी का छिड़काव जरूर हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि आग पर कोई काबू पाया जा सके। और कुमाऊं की अगर बात करें स्नेहलता, तो एक चोपर कुमाऊं में पहुंच चुका था, लेकिन धुएं और जिस तरीके से आग का तांडव चल रहा है कुमाऊं के क्षेत्रों में भी, तो वहां पर धुएं के कारण कम विजिबिलिटी है जिसके चलते वो उड़ने में दिक्कतें जरूर हो रही है। तो कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार आग का तांडव जरूर मिल रहा है और ऐसे में जितनी भी व्यवस्था है उसमें सारी पुलिस प्रशासन है, फायर है और तमाम अन्य भी जितनी स्थानीय टीम है उनको लगाया गया है, लेकिन अभी तक जिस तरह से पूरे प्रदेश में आग के अलग अलग घटनाएं हो रही हैं तो उस पर कोई अभी काबू नहीं पाया जा सकता है। लिहाजा राहत की खबर थोड़ी सी ये है कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन आग का तांडव जारी है। और एक राहत की बात ये भी बताऊं कि मौसम विभाग की ओर से एक अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में यानी 7 तारीख में उससे पहले हल्की से मध्यम बारिश उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, तो ये राहत की खबर है। हालांकि मौसम थोड़ा सा जरूर बदला नजर आ रहा है क्योंकि अब बादल थोड़े से छाए हुए हैं, यही सबसे बड़ी लेकिन विनोद ये बताइए कि अगर हवा चलती है बारिश के अनुमान की तो अच्छी खबर है क्योंकि देखिए भगवान से उम्मीद रह गई है, लेकिन विनोद अगर हवा चलती है बारिश के बिना तो क्या उससे और आग के बढ़ने का खतरा नहीं बढ़ेगा? हवा के झोंके के साथ आग और नहीं तेजी से बढ़ेगी? जी स्नेहलता देखिए, लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड में जो खासकर ऊपरी पहाड़ी जनपद है वहां पर आग का तांडव जारी है, और मैंने ये भी बताया कि 6 लोग अब तक फायर सीजन में मारे जा चुके हैं और ऐसे में कई मवेशी ऐसे हैं जो बिल्कुल आग की चपेट में आए हैं। बहुत से ऐसे आवासीय क्षेत्र हैं जो बिल्कुल आग की चपेट में आकर खाक हो चुके हैं, और ऐसे में अब ये मान लीजिए कि 2 सेना के हेलीकॉप्टर तो जरूर उत्तराखंड को प्रोवाइड हो चुके हैं, लेकिन आग का तांडव और लगातार प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो पानी उठाए जा रहे हैं यानी टिहरी झील से, अभी तक उत्तराखंड में एक ही हेलीकॉप्टर काम कर रहा है क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में कम विजिबिलिटी होने के कारण वहां पर दिक्कतें जरूर आ रही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या इंतजार किया जाएगा? एक बात बताइए विनोद, ये बताइए कि क्या जहां विजिबिलिटी कम है धुएं की वजह से वहां इंतजार किया जाएगा या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे? इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई विभाग की ओर से। जी स्नेहलता देखिए, अभी इंतजार ही करना होगा। कुमाऊं क्षेत्र में जिस तरह से लगातार प्रचंड रूप आग का देखने को मिल रहा है और ऐसे में कम विजिबिलिटी होने के कारण सेना का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। और अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में टिहरी जिले में सेना का हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी भरकर छिड़काव किया जा रहा है और करीब 500 से ज़्यादा लीटर 500 लीटर के करीब एक बाल्टी में पानी आता है और वही छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही क्योंकि आग का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। और मैं ये भी बताऊं कि पूरे प्रदेश में तेज हवाएं का सिलसिला जारी है और ऐसे में जब आग लग रही है तो उसके साथ साथ जब तेज हवाएं, ऐसे तो भगवान भरोसे ही है विनोद, जब तक भगवान पानी नहीं बरसाएंगे। ये 2 चॉपर जो कि फंक्शनली एक ही चॉपर काम कर रहा है, फंक्शन एक का ही दिखाई दे रहा है, ये आग ऐसे तो बुझने की संभावनाएं देखिए कैसे कम होंगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल विनोद आपका शुक्रिया। तो ये पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है जंगलों की आग से, कई वन्य प्राणी जलकर मर जा रहे हैं और उत्तराखंड में इसी बीच राहत और उम्मीद जिससे जताई जा रही है वो है मौसम विभाग से। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में बारिश और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ों पर 3200 मीटर या इससे ज्यादा हिमपात की संभावना, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है क्योंकि हवाओं के साथ आग के बढ़ने की सिलसिले में भी ये क्रम देखा जा चुका है, ये नया नहीं है। लेकिन हाँ, यहीं अगर पानी बरस जाता है तो राहत जरूर मिल सकती है क्योंकि जिस तरह से धधकते जंगलों की तस्वीरें आ रही हैं बहुत चिंता वाली बात है। आपदाओं के लिए देखा ही जाता है, लेकिन जंगल की आग आने वाले वक्त में आपदाओं को आमंत्रण है। तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 6 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों जबकि 7 तारीख को उनमें अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़,
अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की भी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर हरिद्वार में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में आज लगभग 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। चारों मढ़ियों में दीक्षित होने वाले नागाओं का मुंडन संस्कार हो रहा है। उसके बाद नागाओं को अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान कराया जाएगा। सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना होगा। कोपनीय दंड कमंडल धारण कराया जाएगा। नागाओं का स्नान के दौरान स्वयं का श्राद्ध कर्म भी संपन्न कराया जाएगा। करीब 1000 नागा सन्यासी को दीक्षित किया जाएगा। सन्यासी स्नान करते हुए जीते जी अपना श्राद्ध तर्पण कर ब्राह्मण पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। ये कुंभ की अद्भुत छटा है, जहां पर ये तस्वीर सिर्फ कुंभ में ही नजर आती है। नागा साधु सन्यासी ये अपना जीवन एकांत में बिताते हैं, लेकिन कुंभ के मौके पर इनका समागम और इकट्ठा होना देखा जाता है। तो हरिद्वार में महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर पुलिस बॉर्डर पर सख्ती करने जा रही है। मरीजों का बॉर्डर पर आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट लगातार चल रहा है। आपको बताएं कि पुलिस अभी बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्सेस बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की सही तरीके से चेकिंग की जाए, तभी वो राज्य में प्रवेश करें। पॉइंट्स में जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं, उनके साथ पुलिस ने का सामंजस्य लगातार बना हुआ है, और साथ में पुलिस और कुंभ पुलिस जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसमें प्रॉपर व्यवस्था किस तरीके से कराई जानी है उसको लेकर एक मीटिंग ली गई थी। और क्योंकि साथ में डाइवर्जन पॉइंट भी हमारे एक्टिव होने हैं, तो जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था कैसे रहेगी उसके लिए एक हमारा एक खाका हमने बनाया है और उस पर हम लोग आगे वर्किंग कर रहे हैं। और अल्मोड़ा को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के उद्देश्य से अब पर्यटन विभाग ने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक सर्किट बनाया है, जिसे लेकर आलम जलवारकर ने जिलाधिकारी सहित पर्यटन विभाग के साथ अनेक विभागों की एक अहम बैठक करी। वहीं पर्यटन के कार्यों की समीक्षा और कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रभाव पर भी पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मंथन किया, बातचीत की। भी पर्यटन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, विपरीत तरीके से प्रभावित हुआ है, और वो हमारे लिए उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो और ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि हम लोगों को पूरे देश भर की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार ही हम लोगों को कार्य करना होगा। दूसरा, हम लोग अपनी गाइडलाइंस भी तभी बना पाते हैं और फैसिलिटेशन तभी करा सकते हैं जब भारत सरकार की गाइडलाइन के साथ वो मैच हो जाए। बहुत बार हम अपने यहाँ की जो है गाइडलाइन शिथिल भी कर दे, लेकिन बाहर से अगर लोगों को यहाँ आने के लिए जब अनुमति ही नहीं है तो उसमें बड़े कन्फ्लिक्ट आते हैं। और उधर हरिद्वार देहरादून हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोतीचूर फ्लाईओवर पर अचानक एक विशाल काय हाथी आ गया। हाथी फ्लाईओवर पर दस्तक दे हाईवे के दोनों तरफ आवाजाही बंद हो गई। काफी समय तक हाथी की वजह से लोगों के गाड़ियों के चक्के ऐसे थमे रहे और कई लोग हाथियों को देखने के लिए भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर खड़े हो गए और कुल मिलाकर ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये तस्वीरें हैं। अब गजराज के लिए तो कोई सिग्नल है नहीं जो इन्हें रोका जा सके। इन्होंने तो अपनी मस्ती भरी चाल में रोड को क्रॉस करने की ठानी, ऐसे में पूरा फ्लाईओवर ठप हो गया। लोगों ने भी रुककर इस मौके को भुनाने की कोशिश की, अपना फोन निकाले और फटाफट से वीडियो बनाए, क्योंकि ये फ्लाईओवर है जिसे गजराज भी पार कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में बात कर लेते हैं। प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। अल्मोड़ा में प्रवेश द्वार लोदिया बैरियर पर स्वास्थ्य और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की चेकिंग की जा रही है। आज स्वास्थ्य विभाग ने करीब 228 लोगों की कोरोना जांच की है। देखिए, गाइडलाइन के हिसाब से चेक किया जा रहा है कि कोई भी टूरिस्ट या कोई भी आदमी है जो अदर स्टेट से आ रहा है, जो हमारे पास 12 शेड्यूल्ड स्टेट हैं जो हमें बताए गए हैं, उनकी आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तो उन्हें अलाउ किया जा रहा है। वरना यहाँ पर कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी थी तो सुबह से आए हुए लगभग 299 लोग आ चुके हैं, जिनकी 222 के आसपास यहाँ पर को
सैंपलिंग हुई है। शेष जो अब आए हैं उन्हें बेस के लिए भेजा जा रहा है, उन्हें यहाँ नोटिस दे के बेस के लिए भेजा जा रहा है, वो वहाँ अपनी टेस्टिंग करा के रिपोर्ट आने के बाद ही फ्रीली घूमते हैं। उधर बागेश्वर में साल 2016 से जिले में आबकारी अधिनियम में लंबित मामलों में पकड़ी गई सैकड़ों पेटी शराब को आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया है। 147 मामलों में ये शराब पकड़ी गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने अब ये कार्रवाई की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह के आदेश पर आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने आज तहसील परिसर में जेसीबी के जरिए गड्ढा बनाकर शराब को नष्ट किया। बड़ी खबर मिल रही है, रुड़की में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बीच में रोका गया है। राष्ट्रीय गीत के दौरान मंच पर खड़े नहीं हुए पदाधिकारी, बीजेपी युवा मोर्चा का सैनिक सम्मान का यह कार्यक्रम था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी रहे मौजूद। यह बड़ी खबर मिल रही है रुड़की से, जहां राष्ट्रीय गीत के दौरान मंच पर पदाधिकारी खड़े नहीं हुए, वंदे मातरम बीच में रोक दिया गया। पूरा कार्यक्रम था बीजेपी युवा मोर्चा का सैनिक सम्मान। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, विनीत त्यागी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत बताइए, क्या है ये मामला? जी बिल्कुल, देखिए स्नेह लगा, जिस तरह से आज बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जो है रुड़की में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो मुख्य अतिथि तौर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे हैं और कार्यक्रम के दौरान जो है बड़ी भूल हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। जब राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम चल रहा था तो वो बीच में रोका गया और उस दौरान जो है बीच में रोकने के बाद जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो मंच पर बैठ गए, लेकिन स्कूली छात्रों द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम चलता रहा और पूरा जब मीडिया कैमरा सामने आया तब जो पदाधिकारी और मंच पर बैठे जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे वो तब खड़े हुए और उसके बाद जब पूरा राष्ट्रीय गान हुआ तब वो मंच। ये गजब है, पहले बैठ जाते हैं और कैमरा देखने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, तो कुल मिला के ये पोल खोल वाली परिस्थिति है। शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।